टोपी पहनकर गुरुद्वारे में जाने के मामले ने तूल पकड़ा तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने देर रात गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका और सिख समाज के लोगों से मिलकर खेद भी जाहिर किया। दो दिन पहले भूपेश बघेल राजनांदगांव के बाग नदी गुरुद्वारा पहुंचे थे जहां टोपी पहनकर गुरुद्वारे में जाने का वीडियो उनका वायरल हुआ था, जिसके बाद सिख समाज ने नाराजगी जाहिर की। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद भूपेश बघेल देर रात गुरुद्वारा पहुंचे और खेद व्यक्त किया है। चलिए अधिक जानकारी के लिए खोमन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खोमन, टोपी पहनकर गुरुद्वारा जाना, मत्था टेकना, वीडियो वायरल हो गया और सिख समाज नाराज हुआ और सिख समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भूपेश बघेल ने खेद भी जाहिर कर दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई थी। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वीडियो वायरल हुआ था, जब चुनावी प्रचार के दौरान वो अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका था, तो बहुत सारे उनके साथ जो उनके जो कार्यकर्ता गुरुद्वारा में गए थे, उन्होंने जो है जो सिख समाज का परंपरा होता है उनके अनुरूप काम नहीं किया था, तो सिख समाज ने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद नाराजगी जाहिर होने के बाद फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुद्वारा में गए, सिख समाज से उन्होंने नाराजगी दूर करने की बात कही, माफ़ी मांगी है उन्होंने साफ तौर पर। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है चुनावी मौसम है, ऐसे में नेता जो है मंदिर मस्जिद और तमाम जगहों पर जाते हैं, लेकिन परंपराओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है सुमित, और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी जो क्षमा मांगने के लिए सिख समाज के पास गए थे और सिख समाज के लोगों से उन्होंने बातचीत की, संगठन से बातचीत की और कहा कि कोई नाराजगी जैसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग तरीके से सिख समाज के लोग कड़ी आपत्ति जताई थी, उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने मिलकर नाराजगी दूर करने की बात कही है सुमित। बिल्कुल, निश्चित तौर पर खोमन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो सिख समाज ने यहाँ पर विरोध जताया था, जिसको समझते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर गुरुद्वारे में जाकर खेद जाहिर किया है, जो विरोध हुआ था। तो विस्तार न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल गुरुद्वारा पहुंचते हैं और खेद जाहिर करते हैं। ये वो वीडियो है जब सीएम भूपेश बघेल टोपी पहनकर गुरुद्वारा पहुंच गए थे मत्था टेकने के लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और विस्तार न्यूज ने इस वीडियो को, खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, क्योंकि सिख समाज ने इसको लेकर विरोध जताया था। जी हां, और सिख समाज के विरोध के बाद विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सिख समाज ने नाराजगी जाहिर की। विस्तार न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, भूपेश बघेल देर रात गुरुद्वारा पहुंचे खेद व्यक्त करने के लिए।